क्या से क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब? ठीक है? आज हम लोग खड़े हुए हैं अपने किचन में। और पता है क्यों किचन में खड़े हैं? क्योंकि आज ना मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त पूरियां बनाने लगी है। ओह यस, मैं बना रही हूँ। एग्जैक्टली, आप बना रही हैं? मैं क्या? बना रही हूँ क्या? आप क्या? बना रहे हैं? भाई मुझे आते ही नहीं बनाना, ये आज आपके हाथ में। मेरी बात सुनो, लॉकडाउन हो गया खत्म, और लॉकडाउन के दिनों में तुमने मुझसे करवा लिए बहुत सारे काम। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना तो नहीं खत्म हुआ ना भाई? वे छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि मैं काम भी करूंगा, छुट्टी का मतलब मेरा ये होता है मैं आराम करूंगा। तो मुझे नाश्ते बना के दो। इसका हल है मेरे पास, मैं आपको बताती जाऊंगी और आप खाना बनाए। हाँ ये हो सकता है, मगर मुझे आता नहीं बनाना। मेरी ऑडियंस चाहती है कि आप खाना बनाएं, और ये ना हो कि ऐसा खाना बन जाए कि किसी को दिखा दे कि भी काफी। कोई बात नहीं, खाना मैंने ही है ना। चले गाइस, मैं ये जो है ना ये टास्क लेता हूँ, मैं आज नाश्ता बनाता हूँ, और मगर अनम बताएगी, और जो नाश्ता सही बना उसका क्रेडिट मुझे जाएगा, और अगर नहीं सही बना तो वो सारा कुछ जिम्मा अनम का होगा, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। ट्राई करने में क्या हर्ज है, हम ट्राई करेंगे और अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे, हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि आज वकास ने कैसा नाश्ता बनाया। चले जी बनाते हैं नाश्ता फिर आज अनम के कहने पे। लेट्स गो। चलो जी भाई, तो पहले क्या करनी है? आग लगानी है। फ्लेम ऑन कर दी है। आग लगा दी है, फ्लेम ऑन कर दी है। तो अब ये हम ऑयल जो इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। टेबल स्पून किधर है? इधर इन चम्मच को तो नहीं डालूं यार, अंदाजे से डालना है। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो हाल है, देखो ना, देखती भी जाओ ना, ये ना दो तलने बस इना। अच्छा अब इसमें जो है आपने सबीहा भी आ चुकी है हमारे किचन में, फ्राई होगी, फ्राई देख लिया आज। जो कि मैं बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब दूंगी, आगे डाल दें। और फ्राई पैन का जरा ख्याल कीजिएगा आप, अपने ऊपर ही ना घुस के डालें। चम्मच चलाना है? हाँ चम्मच चलाना है। क्या क्या करना पड़ता है शादी के बाद? कोई बात नहीं, पहले सोचा था कि मजे मजे के पराठे मिलेंगे, एक दो डाइटिंग कर। पराठे नहीं खाने खिलाए तुम? डाइटिंग कर, कितने दिनों में पराठे नहीं खिलाए? मक्खन और जैम भी रखा। ये तो है, वैसे ब्रांड वेट पे हम लोग चल रहे हैं, और पराठे खाए भी हमें काफी टाइम हो गया, मतलब 3-4 महीने तो हो गए जब से लॉकडाउन खत्म हुआ। हम लोगों ने सोचा था कि हम एक दो दफा बनाया था, एक दो दफा बस, बहुत रेयर, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ ब्रेड ही चलती है। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। हाँ इसको फ्राई करेंगे जब इसकी खुशबू आएगी ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक करो आप। तो मैं इसमें फिर डालूंगी, मसाले ऐड करूंगी, मैं आपको बताऊंगी आप जो है वो। इसकी फ्लेम कम तो नहीं करना, बंद हो गया तो मैं कम कर रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। अब इसमें जो है वो ऐड करेंगे हम लोग नमक, 1/2 टीस्पून के करीब आपने नमक ऐड करना है। बहुत आसान काम है यार, पहले इतना ही मैं बातें सुनाती हूँ, ये बहुत मुश्किल है खाना बनाना और ये सारा कुछ, ये तो मुश्किल काम है। बिल्कुल। अभी तुम देखती जो कोई हुए मेरे हाथ से तेल गिर रहा है। पता है क्या है, कितना आसान है। 1/2 टीस्पून जो है हम डालेंगे लाल मिर्ची करीब करके डालें, कितना आसान है ना। अब तो ये बनाने के बाद ही पता लगेगा, इसको मिक्स करो। अच्छा 1 टीस्पून जो है गरम मसाला जाएगा। ओए सबिया नो, इसको ओए सबिया गो, फिर इसको दे। आप बंटी दे दो इसको। टेक दिस। वाओ। अच्छा, और ये छोटी चम्मच जो है बिल्कुल मैं पिंच जो है वो डालूंगी। क्यूमिन डालना है? हाँ बस। अब इसमें क्या बात, इसको मिक्स करो यार। वेट ये सही तो बन रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बन रहा है अभी। तुमने मुझे मिक्स करने का तो कह दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ना। हाँ डालो ना, ऐसा लग रहा है जैसे सब चीजें एक ही जगह इकट्ठी हो गई हैं।
तो मैंने बिल्कुल एक जो है नमक डाला है क्योंकि जो मैं चने लेकर आती हूँ मैंने बनाने आज जो चने बॉइल में लेकर आती हूँ मैं गाइस मैं नहीं चाहता कि जो है ना जरा सा भी क्रेडिट अनम को जाए सारा क्रेडिट मुझे ही जाना चाहिए अगर अच्छा ये देखिए मैं चने जो है ना मैं लेकर आती हूँ कैलिफोर्निया के तो इनके चिकपीस जो है वो बॉइल्ड होते हैं बहुत मजे के होते हैं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन जो है ना इसमें नमक ऑलरेडी ऐड होता है तो मैं नमक मैंने इसलिए कम डाला है ठीक है और रेड चिली पाउडर जो है वो भी नहीं डालना वेट मैंने मैं अभी बता रही थी कि मैंने कौन से चने यूज करे तो लाल मिर्ची जो है वो भी मैंने बिल्कुल जो है ना एक चौथाई चम्मच यूज किया है और गरम मसाला मैंने थोड़ा ज्यादा यूज किया 1 teaspoon मैं थोड़ा सा इसका चूना टेस्ट करूंगी ठीक है ताकि मसाला हमारा पके कैसा लग रहा है आज सारे मेरे सीखे मैं पूछ रही हूँ आज आपको कैसा लग रहा है आज आपको कैसा लग रहा है किचन में इतना काम करते हुए अपने काम से हट के काम ये एक्सप्रेशन आपको कभी आपको बाबा आज उसके पास नहीं और वो चिट्ठी चलाती है पीछे आ रही है मेरे पास क्या से क्या हो गया कुछ भी नहीं हुआ अभी तो अच्छा अब हमारा मसाला जो है पक गया है ठीक है अब आप इसमें चने ऐड कर दो स्पून जो है वो यहाँ रख दो और चने के सारे डालने हाँ सारे डालने बिस्मिल्लाह करीब करके ऐसे डर के पीछे भागी हूँ जैसे कि मैंने कहा ये ना आप मेरा मुझे नहीं बोला थोड़ा पीछे आपको मैं कह एक दम डाल दो जल्दी बनाओ कभी पापा मैंने इसकी ना आंच थोड़ी सी तेज की है वो क्यों की आपने तेज आंच थोड़े से ना वो चने पक जाए ना मसाले में जो हमारा मसाला है ना उसमें हम चने पकने देंगे ना चम्मच चलाते रहना या नहीं माँ बस थोड़ा थोड़ा आप चम्मच बीच में चलाते रहो ताकि वो चने हमारे लगे नहीं ना जी तो क्या सिचुएशन है चनों की वाओ यार जबरदस्त आप अच्छे कुक खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है और बहुत मजे के लेकिन ट्राई एंड में ये तो नहीं होगी ना कि रेसिपी मेरी थी ऑब्वियस सी बात है रेसिपी की बात नहीं होती है बात होती है हाथ में जाएगी बहुत मजे के बन रहे सुना नहीं कहते हो लोगों को उसके हाथ में जायका है उसके हाथ में जायका है बेसिकली मेरे हाथ चल रहे हैं इसलिए जायका है अगर आया तो इस चीज पे मैं कोई वो नहीं करूंगी अगर इनकेस नहीं आया तो फिर हम रेसिपी पे डालते हैं अब आप इसको शिफ्ट कर दें हमने इसको पिछले चूल्हे पे लेके जाना था तो शिफ्ट करना हमने कढ़ाई जो है वो इधर आगे ले आए बिस्मिल्लाह हर किसी के बस का काम नहीं होता ये करना नहीं इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल करते हुए तो खाना बन गया आपका अब आप इसको रखो वापस और इसको ढकना ढक दो हम इसको बर्नर में थोड़ी देर के लिए करके छोड़ देंगे हमारे चने हो जाएंगे जितने हम अपने भटूरों की तरफ आते हैं और इसको पूरी पराठा भी कहते हैं तो कनोला ऑयल जो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा डाल दो क्या करना है ऑयल डाल दो इसमें आपको बताऊंगी तो फिर आप पूछना ठीक है जब मुझे बता देना ऐसे ऐसे डाल दूं बस इनफ इतना काफी है क्योंकि हमें फ्राई करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा ऑयल चाहिए अच्छा अब ये जो है ना ये मैंने आटा गूंद के रखा था अब इस आटे का क्या है प्रोसीजर वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1/2 teaspoon नमक लिया और इसको मैंने सिर्फ पानी से गूंदा है और इसको नरम गूंदना है और आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इसको किस तरह जो है वो कितना नरम जो है इसको मैंने गूंदा है और मैंने इसको ढक के जो है वो 30 minutes के लिए रख दिया था और अब मैं इसको निकालूंगी और इसके मैं जो है वो पेड़े बनाऊंगी पहले मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लूंगी ठीक है ताकि मुश्किल ना हो इसको उठाने में क्योंकि ये आटा जो है थोड़ा सा नरम होता है
और जहाँ मैंने बेलना है उसको भी मैं थोड़ा सा वहाँ पे डाल के ऑयल जगह को अपनी तो ऑयल से वो कर दूंगी। ठीक है, देख लो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ रहा है। जाहिर है सब कुछ तो आप नहीं कर सकते ना, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्योंकि इसको बहुत ये मैंने किया तो तुम्हें वर्ल्ड मैप मिलेगा ये आपको ये कुछ और ही बन जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने जो है इस पे बैटर बनाया था, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया था और 2 चम्मच मैंने घी लिया था, वो मैं दोनों इसमें पूरा जो है इसको चिपका दूंगी। ये हमने बना लिया पेड़ा और इसको इसी तरह हम कर देंगे, पेड़े बना के मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए, आपने इसको रखना है ताकि ये ठहर जाए। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी पेड़ों के साथ भी करूंगी। चलो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये तो बबल गम लगे ऐसी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओह माय गॉड, अब आप देख सकते हैं कि बकास जो इसमें बहुत आराम से डाल रहे। चलो भाई बाकी फर्स्ट ट्राई, एक सेकंड में आपको ये सीधा करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा मुड़ गया है, इसको जो है अब हम फ्राई करेंगे। इसको ये ऊपर जब तक ये ऊपर ना आए इसको हमें पलटना नहीं है। ठीक है, यस बेटा, नो व्हाट कम हियर। अच्छा, अब मैंने जो है वो बना के इसमें डाल दिया है। अब इसको जो है ना आपने ऐसे करना है, मैं आपको बताती हूँ तरीका, मैं आपको बताती हूँ। इसको पकड़ के आपने ऐसे करना है। इतने ऑयली हो गए थे। हाँ, ये ऐसे टिश्यू से आप साफ करो कि ये हमारा फ्राई हो रहा है। इसको मैं ऐसे ऐसे जो है ना बहुत ही मजे का, बहुत ही खस्ता, देखो कितना मतलब कितना अच्छा हुआ है ना कि फूल रहा है। अच्छी लग रही है दिखने में। हाँ, ये एक स्किन मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको पलटेंगे, ये एक साइड हमारी कलर आ गई है। ठीक है, ये देखें गाइस, ये मेरी बनाई हुई पूरी, ये बकास की बनाई हुई जो है भटूरा 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 है भटूरा। इसको हम पहले कलर देंगे। ठीक है, पहले हम इस साइड से बना रहे हैं, फिर हम इस साइड से बना रहे हैं। जब लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा ना तो हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे, इसको फ्राई में देंगे। इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे और मीडियम आंच में ही आप लोगों ने रखना है, इसको फ्राई करना है। आंच जो है वो तेज नहीं करनी है। पप्पी एंड मामा आज एंजॉय कर रही है और बाबा जो है वो आज काम पे लगे हैं। पप्पी भी जो है ना वो हैरान भी है और परेशान भी है, ये स्वैप कैसे हो गया सब कुछ। मम्मा नाश्ता बना रही होती हैं, बाबा मुझे संभाल रहे होते हैं। करके पलट लो, हां ऐसे करते हैं, पलट पलट आराम से आराम से आराम से ऐसे 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 कलर आना शुरू हो गया ना। हां आहिस्ता आहिस्ता, फबीज लर्निंग न्यू वर्ड्स, तो हम जो बोलते हैं फबीज उसको रिपीट करती है इंशाल्लाह। जल्दी होपफुली नेक्स्ट 1 to 2 months में ये बोलना शुरू कर देगी। अब पलटना नहीं है, नहीं अभी बस ये भी नहीं चलाऊं चम्मच। हो गया,
कलर आ गया देखो, अब आप इसको उतार के इस पे रखो बस, ठीक है, आराम से, बहुत आराम से, एहतियात से, आसान नहीं होती है ये चीजें। मैं जब करूंगा तो आएगा ना। बहुत ध्यान से, बहुत कितना देखो कितना प्यारा कलर है ना, बस हमें ये कलर चाहिए था। अभी आप इस पे रख दो, ऑयल छन जाएगा। My first puri. Yes. अच्छा अब ये जो है ये मैं दूसरा इसमें डालने लगी हूँ। अच्छा ये इसका भी कलर जो है वो आप दिखा दें, कितने मजे की, कितनी खस्ता और इतनी सॉफ्ट है ना ये, बहुत सॉफ्ट बनी और बहुत मजे की, कड़कड़ की आवाजें भी आ रही होंगी आप लोगों को। अब ये देखें मैं इसको जो है वो चिमटे से ऐसे करती रहूंगी, देखिए कितना फिट कलर आ रहा है। हम ये इसी तरह का हमें कलर चाहिए और इतनी सॉफ्ट बनेगी और इतने मजे की बनती है ये। आज बकास ने हमारे लिए बनाया तो आप हम खा वैसे मेरी जो बनाए हुए भटूरे हैं और तुम्हारे बनाए हुए भटूरे की शेप में फर्क है, तो व्यूअर्स आपने बताना है कि किसकी किसके भटूरे की जो शेप है ना वो ज्यादा अच्छी है। मैंने आपको ये अनम गई बस वैसे ही सो लग रहा है, ये देखें असल शेप ये है, ये देखें कि कितना जबरदस्त इसमें जो है ना शेप आई है, और ये तो मुझे मतलब क्या किया आपने, गोल नहीं है ये, गोल नहीं है, नहीं ये है ना देखें सीधा गोल, कोई बात नहीं, ये न्यू गोल कहते हैं इसको, ये इसको न्यू गोल आया, ये अभी इन्वेंट हुआ है। चलिए जी हमारे भटूरे जो है वो तैयार हो गए, और देखें कितने सॉफ्ट और कितने क्रिस्पी, बहुत ही मजे, पीछे छोले भी नजर आ रहे हैं आपको, वो आप दिखाएं, ये भी हमारे रेडी हो गए, लजीज, क्या क्या खुशबू आ रही है, वाह मेरे बनाए हुए खाने का जायका ही अलग है, इसकी खुशबू भी बहुत। अब हम आपको जो है वो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने, चलें। जबरदस्त मजा आ गया, ये बहुत ही मजे की और खस्ता खस्ता पूरियां तैयार हो गई हैं। इसमें से एक मैंने बनाई है, बल्कि दो एक और आधी मैंने बनाई है, बाकी अनम ने बनाई है, बिल्कुल मगर मजे की बनी है। अब हम इसको खा के देखेंगे, और सॉफ्ट इतनी है ना खस्ता, ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितनी इसकी एक एक मतलब ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने मजे की, कितनी खस्ता लग रही है, जबरदस्त बनती है, बहुत मजे की रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करें और अपने अपने हस्बैंड से बनवाएं। चने भी बहुत मजे के बने हैं, चने आप ही देखें, मैं करीब से आपको दिखाऊं, अचार डाल के बहुत मजे के बने हैं। फबिया वांट्स टू ईट दिस, फबिया कह रही है कि बाबा ने बनाया और मैं ना खाऊं, फबिया शायद वेट नहीं करना चाहती, तो अब मैं ये बाइट लेने लगा हूँ इसका, और जबरदस्त पुत्रनम, लेकिन बनाया तो आपने है, मुझे कहना चाहिए ये, मैं ट्राई करती हूँ, आप मेरी बारी है, मैं ट्राई करके बताऊंगी, बहुत मजे के यार, सही जो है ना लाहौरी चनों वाली, और मतलब वो आ रही है वैसे तो भटूर क्या कहते हैं इसको, चने छोले भटूरे, हाँ जी, मगर वो जो बहुत मजे के बनाया वकास ने, वेल अप्रिशिएटेड, मुझे तो बहुत मजा आया, आप लोग भी बनाएं, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा, फबिया भी आप लोगों से बातें कर रही है। खैर एनीवेज गाइस, आज हमें बहुत मजा आया, इस ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ऑल क्रेडिट गोज टू अनम, और मुझे भी वैसे जाता ही है थोड़ा बहुत क्रेडिट, होपफुली मैं आपके लिए और भी फूड ब्लॉग्स लेके आऊंगा अगर अनम ने मुझे सिखाया था, आगे मैं ऐसी रेसिपीज लेकर आऊंगी जिसमें वकास जो है वो मुझे हेल्प आउट करेंगे और मेरे साथ खाना बनाएंगे, और उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो बल्कि हमारी वीडियोस जो हैं वो पसंद आएंगी, और आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी, आज का व्लॉग कैसा लगा, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम मजीद आप लोगों के लिए जो है इस तरह की वीडियोज बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑल फॉर योर सपोर्ट, we are blessed, thank you so much, take care. Allah Hafiz.